नमस्कार, मैं अनुप टोनी स्वागत करता हूँ क्राइम पेट्रो के एक नए एपिसोड में। आखिर कौन था वो ऐसा शख्स जो इतनी बेरहमी से हत्या कर रहा था, जानने के लिए आइए देखते हैं ये एपिसोड। नमस्कार। अरे भैया, अरे भैया, एक अरे क्या हुआ? अरे हाँ सर, निकल रहा हूँ। अरे सर, बस पहुँचने वाला हूँ। अबे बुड्ढे, बारनाथ से पहले पहुँच जाऊंगा। हाँ चल रामपा, जल्दी बैठ, दाल मुठ के इंतजाम करना आगे। अब इसकी रेस 3 का सलमान खान बना जा रही है, पकड़ कर हरी नाम इसको। आमिर खान बना जा रही है, बोले तो आदित्य चोपड़ा से बात करके तेरे को रेस 4 में हीरो बनवा दूँ। अच्छा बेटा, अब चल तेरा RCB दिखा जरा। चल तो लाइसेंस दिखा जरा और बीमा दिखा जरा, गाड़ी के इंश्योरेंस दिखा। और इसके पास तो गाड़ी भी नहीं है, फिर भी गाड़ी का प्रमाण पत्र रहेगा इसके पास। सर चूतिया प्रमाण पत्र मांगो। चूतिया प्रमाण पत्र दिखा। और इसकी बहन का चूतिया प्रमाण पत्र भी है तेरे पास? अरे साले बुड्ढे। हाँ अरे सर पूछ रहा हूँ, चल मैं, तू निकल। अरे सर पूछ रहा हूँ, मौका है वारदात पे। ओके सुन, इधर आ। जी सर। बेटा सुन, 400 की स्पीड से कम मत भागी हो, चल निकल ले जल्दी खटा खट। चलो बेटिया। हाँ सर पहुँचने ही वाला हूँ बस वारदात पे। पुलिस वाले का व्यवहार वाकई चौंकाने वाला था। क्राइम पेट्रोल के इतिहास में आज तक किसी ने इतना हराम नहीं काटा और ना ही हराम सूमा है। पर पुलिस वाले ने उससे सारे प्रणाम पत्र मांग लिए, यहाँ तक कि चूतिया प्रणाम पत्र भी मांग लिया। तो आपसे आशा करता हूँ मैं कि जल्द से जल्द चूतिया प्रणाम पत्र अपने नज़दीकी चूतिया केंद्र से बनवाए। धन्यवाद भाई साहब। ये पता कहाँ है? ये पता भाई साहब, यहाँ पे नाले में घिसट घिसट के जाना, पहुँच जाओगे। जाइए और रुकिए रुकिए, इधर आइए। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल, सतर्क रहे, सावधान रहे। भारत माता की जय। मेरा भारत महान। अबे आगे दे इसी में। अरे सर जल्दी फोन डालो। आप तो गए, मैं मेरा फोन नहीं लगा, उससे पहले ही आ गए। तो क्राइम पेट्रोल की पुलिस हूँ, वारदात से पहले पहुंच जाता हूँ। अरे क्या हुआ इसको, क्यों रो रही है ये? क्या हुआ है? सर। हाँ क्या हुआ बोलो। अरे सर। हाँ बोलो तो सर। हाँ और कुछ बोल भी दे। अरे सर कुछ भी तो ना हुआ, जय हिंद आपकी। कुछ भी ना हुआ खुशू। अरे हरी नाम उधर आ। जय सर। ओरो बेन की मार दी इसकी, मैं डाल दो फटाक। सर मैंने डालू। अरे आराम से बोल, अटकड़ी की बात कर रही हूँ। एक और कहाँ है? सर मुझे नहीं पता। पकड़ के ना उसको, भाग तो नहीं लिया कहीं? भगवान पूरा शुगर मारा रे इसकी बहन का, कितनी तेज धाम पड़ रही। कोवे रात में कहा था तू? सर रात में सो रिया था। और तू कहाँ था? मैं सर रात को मेरा फोन साइलेंट में था। इसकी बहन का साहेब भी लगा दिया, कुछ और लगा देता क्या? कौन है तेरा भाई? है भाई है। क्या नाम है इसका? रमेश। और तेरा? सुरेश। सुरेश पूरा कटिया बना जा रही है। तेरा नाम सुरेश है, आज से तेरा नाम कटिया। और मुझे तो लगता है ये पूरी वारदात तूने की है, समझ में आ रही है? चले इधर। सर वारदात से ये मिला है। ओहो बासमती लग रही है, इसको फोरेंसिक लैब में भेज दो। इन्हें ना भेजे तू फोरेंसिक लैब, इन्हें भेज तेरी भाभी के पास, वो बनाएंगी तड़का मार के बिरयानी, आधी प्लेट तेरी आधी मेरी, ठीक है ना? चल की बहन का कोरी कटिया, तू इतनी धूप में हो रही है हसीना और तुझे इतना क्यों आ रहा है पसीना? अरे सर इतना घाम पड़ा दे, पसीना आ रहा है। साबुन दे दो, नहा ले साले।
बहन बता दो किसने किया है। अरे सर मैंने नहीं करा। अरे सर ये घड़ी कहाँ से आई? ये घड़ी मुझे मौका वारदात पे मिली, मेरी हो गई अब। अरे ये तो मेरे भाई रमेश की है, हम दोनों ने साथ चुराई थी। तेरी घड़ी है? घर का बेटी मुर्गा कहाँ है बता दे अब, क्या क्या हुआ था तेरे साथ? अरे सर वो क्या, भोपाल में लॉकडाउन के समय मुर्गे बिकने बंद हो गए थे और मुझे बिरयानी खाने की तलब लगी थी, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना अपने मुर्गे को मार दिया जाए और बिरयानी बना के खा लूं, इसलिए मैंने मुर्गे को मार दिया और बिरयानी बना के खा ली। जली को आग कहते हैं, बुजी को राख कहते हैं, और जो दूध फाड़ के मटा बना दे उसे रमेश का बाप कहते हैं। और रमेश का बाप पुलिस निकली तो देखा आपने, WWE रिसर्च सेंटर से ऐसी खबरें आई हैं कि हर साल हजारों मुर्गे आत्महत्या कर लेते हैं, कोई तंदूर पर चढ़ जाता है तो कोई बिरयानी बन जाता है। तो मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा कि मुर्गा खाना आज से ही छोड़ें, और मैं मिलता हूँ आपको एक नए एपिसोड के साथ, नई कहानी के साथ। चलिए चलते हैं, जय हिंद जय भारत। अरे लंच में क्या चाहिए? मुर्गा बनवा ले। ट्रेन की बत्तियां बुझा के बस ट्रिप ले।